नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन कैसे भरा जा सकता है। मैं मैत्रेय खंडीजोड़ एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल SKN इन्फोटेक पर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम के ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स को कैसे भरा जाता है और नगर निगम ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इस सुविधा को उपलब्ध किया है। तो चलिए मेरे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको पूरी प्रोसेस दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना क्रोम खोलना है या कोई भी इंटरनेट ब्राउजिंग वेबसाइट। फिर वहाँ पर आपको अपना सर्च में जाके टाइप करना है PCMC प्रॉपर्टी टैक्स, एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपको पहला ही वेबसाइट का लिंक दिखेगी जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये हम डायरेक्टली इस वेबसाइट पर एंटर हो गए। मैं चाहिए तो आपको इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी जाके आप डायरेक्टली ये इस वेबसाइट पर एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपर लेफ्ट कॉर्नर पे प्रॉपर्टी बिल लिखा हुआ है, इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा जोन क्रमांक, गट क्रमांक, ये सब डिटेल्स आपसे पूछी गई है। तो आपको पता ही होगा अपना जोन क्रमांक, गट क्रमांक वगैरह, तो आप यहाँ पर अपना पुट करिएगा। मैं पहले जोन क्रमांक पुट करता हूँ, फिर गट क्रमांक, जो भी डिटेल्स आप भर रहे हैं वो अपने ध्यान से ही भरिएगा। ये सारी डिटेल्स, चारों डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पर आपको शो कर का बटन दिखे होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकेंड्स में यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी पूरी डिटेल्स देख लेनी है, अपना नाम और अपना नंबर। ये आपका बिल जनरेट हो गया है। फिर आप नीचे अगर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेक पेमेंट का बॉटम में, उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पॉपअप का मैसेज आएगा, फिर आपको उस पर ओके करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पेमेंट PCMC सिक्योर पेमेंट गेटवे का वेब पेज खुल गया है। यहाँ पर अपना बिल भी आपको दिख रहा होगा, ट्रांजैक्शन अमाउंट कितनी होगी, जितनी होगी आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी। कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी भरने के बाद यहाँ पर आपको मेक पेमेंट क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपका फिजिबल इंटरनेट आपको पे करना होगा तो आप यहाँ से आप पे कर सकते हो। मैं इंटरनेट बैंकिंग कर रहा हूँ, आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हो अपने बिल भरने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का पेज खुल गया है, मैं आपको इसका पेमेंट करके दिखाता हूँ अगले। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पर आप शो मी बिल रिसीप्ट यहाँ पर क्लिक करके इन फ्यूचर के लिए आप इसे सेव भी कर सकते हो। तो इसी तरह आप अपना प्रॉपर्टी का टैक्स हर साल हर समय पर भर सकते हो। तो फिलहाल तो वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।